Very good morning, friends. I'm here before you with the next part of synthesis. Synthesis के अगले part के साथ हम आपके बीच हैं और ये है कि use of preposition before noun और gerund. समझिए, किसी noun या gerund से पहले अगर हम preposition का use करें तो वो हम एक और सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके बना सकते हैं. जैसे हम सिंथेसिस में कर क्या रहे हैं, हम सिंथेसिस में देख रहे हैं वी आर कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय दिस टाइम. अभी तक हम यही चर्चा कर रहे हैं. तो सबसे बड़ी बात है कि हम अब बात करेंगे कि प्रेपोजिशन का यूज करना है और कहां करना है, किसी नाउन या जिरण से. अब नाउन जान लीजिए क्या है, जैसे किसी सेंटेंस में कोई नाम दिया हुआ है तो वो नाउन हो गया. जैसे मान लीजिए राम आ गया या सीता आ गया, ये नाउन है. जिरण क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरण होता है. ठीक है, जैसे सिंगिंग, अब ये सिंगिंग क्या है, ये जिरंड हो गया, वो आपका आईएनजी फॉर्म है. सिंगिंग इज हिज हैबिट, सिंगिंग इज हिज हैबिट. तो इसमें सिंगिंग क्या है, वो जिरंड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. चलिए आइए हम बात करते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस का हम जब किसी में से ये हुआ कि सबसे पहले आएगा प्रेपोजिशन, उसके बाद प्लस आएगा या तो नाउन आएगा या जिरंड आएगा. चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं, है ना, हम सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है. पहला है सीता बॉट अ पेन. सीता बॉट अ पेन, शी गेव 10 rupees फॉर इट. सीता ने एक पेन खरीदा और उसने उसके लिए 10 rupees दिए, 10 rupees दिए. अब देखिए अ पेन की वैल्यू 10 rupees है, जब हम पे करते हैं तो फॉर लगाते हैं, तो इस तरह से पेन के बाद फॉर लगाकर ये हम 10 rupees लगा सकते हैं. इसका बन जाएगा सीता bought a pen for 10 rupees. बहुत सिंपल है, सीता bought a pen, पहला सेंटेंस जो कहते हैं लिखा. अब 10 rupees दिया उसके लिए पेन के लिए, तो फॉर लगा दिए. ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, यही प्रेपोजिशन है, सीता bought a pen for 10 rupees. चलिए हम एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं. राम बॉट अ कार, ही पेड 5 lakh rupees फॉर इट. तो क्या होगा, राम बॉट अ कार फॉर 5 lakh rupees. क्लियर है. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. मधु परचेज्ड अ बाइक, शी पेड 1 lakh rupees फॉर इट. मधु परचेज्ड अ बाइक फॉर 1 lakh rupees. इस तरह से पहला एक सेंटेंस जैसा दो सेंटेंस और हमने आपको दिखा दिया. क्लियर हुआ. अब हम बात करेंगे कि दूसरे टाइप के सेंटेंस, प्रेपोजिशन कोई और लगेगा, जिसमें फॉर लग रहा था, यहां फॉर की हम बात कर रहे थे. हम सारे प्रेपोजिशन की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम देख लेते हैं हम कितना कर सकते हैं. He helped her. उसने उसकी मदद की. He gave her money. उसने पैसे दिया. इसका मतलब तो ये हुआ कि मदद भी की और पैसे भी दिए, दोनों आ रहा है एक साथ. तो इसका अब यहां हम लगाते हैं K
अलावा या के अतिरिक्त दिखाने के लिए बिसाइड्स लगाते हैं। के अलावा के अतिरिक्त, तो ये बिसाइड्स के साथ, अब देखिए हेल्प है, इसी का जिरण बनाएंगे हम। वहां हम 10 रुपी नाउन था, यहां जिरण बनाएंगे बिसाइड्स हेल्पिंग हर कॉमा बिसाइड्स हेल्पिंग हर, हेल्प का हेल्पिंग आईएनजी मैंने जिरण बना दिया, हेल्पिंग हर बिसाइड्स हेल्पिंग हर ही गेव हर मनी। देखिए उसने उसकी मदद की, पैसे भी दिया। अब इस सेंटेंस में यहां टू लगा देता तो ज्यादा क्लियर हो जाता सेंटेंस में। ही हेल्प्ड हर, ही गेव हर मनी टू, उसने उसकी मदद की, उसने उसे पैसे भी दिए। तो अब बनेगा कि उसने उसे मदद करने के अलावा पैसे भी दिए, तो बनेगा बिसाइड्स हेल्पिंग हर ही गेव हर मनी। चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। आई हेल्प्ड राधा, आई गेव हर अ बुक टू, मैंने राधा की मदद की, मैंने उसे एक किताब भी दिया। बिसाइड्स हेल्पिंग राधा आई गेव हर अ बुक। फिर से बोल रहे, बिसाइड्स हेल्पिंग राधा आई गेव हर अ बुक। एक और बन सकता है, मिस्टर शर्मा टीचेस अस, फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस, ही गिव्स अस मोरल लेसन्स टू, मिस्टर शर्मा टीचेस अस ही गिव्स अस मोरल लेसन्स टू। इसमें हुआ तो वो हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं और साथ में मॉरल लेसन भी देते हैं, तो बनेगा मिस्टर शर्मा बिसाइड्स टीचिंग अस मिस्टर शर्मा गिव्स अस मॉरल लेसन्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ये बिसाइड्स का यूज क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, शी मेड हर बेस्ट एफर्ट, उसने अपना बेस्ट एफर्ट दिया। शी कुड नॉट पास बीए, वो बीए पास कर नहीं पाई। नेगेटिव है दोनों, देखिए तो यहां जब नेगेटिव होता है तो इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं, के बावजूद उसके कठोर परिश्रम के बावजूद वह बीए पास नहीं कर पाई। इसका बनेगा शी मेड हर बेस्ट एफर्ट, ये हटा दीजिए, शी मेड हटाइए, हर बेस्ट एफर्ट से पहले, ये नाउन है हर बेस्ट एफर्ट, इसके पहले हम लगा देते हैं इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बनेगा इन स्पाइट ऑफ, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, इन स्पाइट ऑफ हर बेस्ट एफर्ट कॉमा शी कुड नॉट पास बी ए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उसके बेस्ट एफर्ट के बावजूद वह बीए पास नहीं कर पाई। ये क्लियर हुआ, उसके बेस्ट एफर्ट के बावजूद वह बीए पास नहीं कर पाई। अब देखिए इस तरह के और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मोहन पेड 10 लाख रुपीज, ही कुड नॉट गेट ऑडी कार। अब क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ पे है तो जिरण बनेगा पेइंग, इन स्पाइट ऑफ पेइंग 10 लाख रुपीज
मोहन कुड नॉट गेट एन ऑडी कार। बहुत सिंपल है। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। ही हैड रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुका था। द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी चल दी। अब देखिए या तो पास्ट परफेक्ट का यूज है, यहां देखिए पास्ट परफेक्ट, यहां पास्ट परफेक्ट का यूज हो सकता है आराम से। ही हैड रीच द स्टेशन, बिफोर लगा दीजिए, द ट्रेन स्टार्टेड बन जाएगा ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट। देखिए इसमें हैड जो लगता है वो वर्ब पहले होती है, तो हमने पहले लगा दिया, बिफोर लगाया, और ये बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड के लिए स्टार्ट ऑफ द ट्रेन, ये बिफोर लगा हुआ है, यानी वो एक एक तरह से एक नाउन है। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही हेल्प्ड यू, यू वुड हैव फेल्ड। बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखिए उसने तुम्हारी मदद की, यू वुड हैव फेल्ड, तुम फेल ही हो जाते। इसका मतलब तुम फेल ही हो जाते बिना उसके हेल्प के, यहां लगेगा विदाउट। अब देखिए विदाउट लगेगा कैसे, ये बाद वाला सेंटेंस पहले लिख देंगे हम, बन जाएगा यू वुड हैव फेल्ड विदाउट हिज हेल्प। अब देखिए सेंटेंस को समझिए, ही हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की, यू वुड हैव फेल्ड, तुम फेल ही हो जाते। अब देखिए हमने विदाउट का यूज किया, यू वुड हैव फेल्ड विदाउट हिज हेल्प। बहुत सिंपल है। ऐसा एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देख देते हैं। जैसे सूर्य कुमार यादव स्कोर्ड 100 रन्स, इंडिया वुड नॉट हैव वॉन द मैच। तो इसका बन जाएगा इंडिया वुड नॉट हैव वॉन द मैच विदाउट 100 स्कोर ऑफ सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे थे कि किसी नाउन या जेरंड से पहले प्रेपोजिशन का यूज करके हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप इस पे आधारित क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और ना समझ में आए तो आप लिखिए, मींस कुछ पिन करिए और कमेंट करिए, और हम उसका रिप्लाई देंगे। चलिए, आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार, हम मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।